हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य अकेडमी में। जितने भी आरआरबी एलटीपी से ग्रुप डी एस्पिरेंट है दोस्तों, उसके लिए दोस्तों आरआरबी के द्वारा एक और इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट नोटिस दोस्तों 5/2/2022 के अकॉर्डिंग जारी किया गया है। दोस्तों मतलब दोस्तों आज ही के डेट में नोटिस जारी किया गया है। देख सकते हैं ये नोटिस यार आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, सो प्लीज पूरा नोटिस ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों नोटिस में क्या क्या है वो देख लीजिए। दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ईस्टर्न रेलवे का दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके रखा है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ आज ही के अकॉर्डिंग दोस्तों 5 फरवरी 2022 के रिकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे नोटिस आया। दोस्तों आपको पूरा नोटिस दिखा देता हूँ दोस्तों, कंप्लीट आप नोटिस देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों, भारत सरकार रेल मंत्रालय के दोस्तों ये नोटिस है। लिखिए केंद्र की रोजगार सूचना 01/2009 के अकॉर्डिंग यहाँ पर दोस्तों लेवल 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर नोटिस दिया गया है। दोस्तों एनटीपीसी लेवल 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं, सूचना उच्च अधिकार समिति दोस्तों मतलब हाई पावर कमिटी के समक्ष दोस्तों सुझाव के लिए नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों देख सकते हैं, जो अभ्यर्थी एनटीपीसी सीईएन 01/2019 एवं लेवल 1 सीईएन 01/2019 के परीक्षा से संबंधित अपना सुझाव रेल मंत्रालय द्वारा गठित उच्च अधिकार समिति मतलब हाई पावर कमिटी को दोस्तों समक्ष व्यक्तिगत रूप से रखना चाहते हैं। याद रखिए व्यक्तिगत रूप की बात की गई है दोस्तों। वैसे अभ्यर्थी 5/2/2022 को दोस्तों सुबह 10 बजे से 12 बजे तक रेलवे ऑडिटोरियम धनबाद में उपस्थित होकर अपना विचार रख सकते हैं। मतलब दोस्तों आरआरबी के द्वारा दोस्तों जो कमेटी गठित की गई है दोस्तों, हाई पावर कमेटी, वो दोस्तों कहां दोस्तों रेलवे ऑडिटोरियम धनबाद में दोस्तों बच्चों के साथ फिर से दोस्तों मीटिंग करने वाली है। दोस्तों वहां जाके दोस्तों आप अपनी मांग रख सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले दोस्तों पटना में दोस्तों इस कमेटी ने विजिट किया था दोस्तों, और पटना में लगभग 250 छात्र ने दोस्तों वहां गए थे दोस्तों और अपनी मांगे रखी थी दोस्तों 250 प्लस छात्रों ने। यार आप भी चाहिएगा दोस्तों और अपनी मांग रख सकते हैं दोस्तों। देख याद रखिए दोस्तों, एड्रेस रेलवे ऑडिटोरियम धनबाद पटना, यहाँ दोस्तों आप अपनी मांगों को सही तरीके से रख सकते हैं। जितनी ज्यादा मात्रा में हो सके दोस्तों यहाँ पर जाइए और अपनी मांग रखिए दोस्तों। यार आपको किन मांगों को रखना चाहिए दोस्तों, सबसे पहली बात करें दोस्तों आपको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 रिवाइज रिजल्ट से रिलेटेड जो मांग है दोस्तों उसको रखिए दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग ग्रीवियंस यहाँ पर डाल सकते हैं। दूसरी मांग की बात करें दोस्तों, आपको ग्रुप डी में दोस्तों सीबीटी 2 को हटाने से लेकर दोस्तों आप ग्रेवियंस वहां पे डाल सकते हैं दोस्तों। तीसरी मांग आपको रखनी चाहिए दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का दोस्तों जो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है दोस्तों उससे रिलेटेड इशू बहुत ज्यादा है दोस्तों, क्योंकि आपको भी पता है यार कहीं कहीं पर बच्चों को दोस्तों -5 तक मार्क्स कम हुए हैं तो कहीं पर दोस्तों +30 तक भी मार्क्स दिए गए हैं दोस्तों, जो कि यार बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। यार नॉर्मलाइजेशन फार्मूला को दोस्तों आप हटाने के लिए या फिर दोस्तों उसे एक्सप्लेन करने के लिए या बेहतर तरीके से लागू करने के लिए दोस्तों वहां पर आप मांग रख सकते हैं दोस्तों, अपना ग्रेवेंस डाल सकते हैं। इसके साथ ही यार ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड दोस्तों बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है, एनटीपीसी रजिस्टर्ड वो इशू भी रख लीजिएगा। फोर्थ प्रॉब्लम आपको रखना चाहिए दोस्तों, एग्जाम लैंग्वेज इशू। बहुत सारे बच्चे यार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि सर एग्जाम लैंग्वेज का इशू है। यार आप हमसे नहीं, यार आरआरबी से दोस्तों इस इशू के बारे में डायरेक्ट पूछ सकते हैं दोस्तों। आप जाइए रेलवे ऑडिटोरियम धनबाद में और यार आरआरबी से इससे रिलेटेड दोस्तों आप ग्रीवियंस रखिए, यार उसके सामने जाके पूछिए एग्जाम लैंग्वेज इशू का क्या करना है। कुछ बच्चों का ऐसा सुनने में आ रहा था दोस्तों कि यार उन्होंने अगर इंग्लिश वो किस फोर्थ प्रॉब्लम आपको रखना चाहिए यार एग्जाम लैंग्वेज इशू। यार बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट देखने को मिले दोस्तों कि सर एग्जाम लैंग्वेज प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं कि नहीं। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर हमने इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामीण प्रश्न डाला था तो क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो यार ये सवाल दोस्तों हमसे नहीं दोस्तों आरआरबी से पूछिए, यार आरआरबी के द्वारा दोस्तों साफ रिप्लाई देखने को मिल रहा है कि नहीं कर सकते, या इसके अकॉर्डिंग भी दोस्तों आप यहाँ पे ग्रेवेंस डालिए, आपको चेंज करने का शायद मौका मिल जाए। उसके बाद दोस्तों फिफ्थ नंबर पर बात करें, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं ईडब्ल्यूएस रिकॉर्डिंग जो इश्यूज है दोस्तों कि यहाँ पर दोस्तों सर्टिफिकेट कौन से ईयर का लगेगा। यार इसके रिकॉर्डिंग जो इश्यूज है दोस्तों वो भी आप आरआरबी के सामने रख सकते हैं दोस्तों, वहां पे जाके दोस्तों आप इनसे बात कीजिए, पूरा डिटेल में ये बातें रखिए दोस्तों, आपको पूरी बातें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज दिल से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ बेल आइकन पर हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।